तो दोस्तों आज है जाने का दिन और देख सकते हो कि मैं यहाँ पे सारी तैयारी कर रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा सामान हो गया है। यहाँ पर मैंने राइडिंग जैकेट अपने टैंक इसमें डाल दिया सडल बैग में और इसमें काफ़ी सामान हो गया। थोड़ा थोड़ा करते हुए इतना ज़्यादा सामान हो गया मत पूछो। यहाँ मेरे सारे गैजेट्स रखे हुए हैं और ये गिफ्ट है जो मैं ले जा रहा हूँ अपने भाई के लिए, और मेरा हेलमेट और भी सामान पैक हो रहा है। इधर मोबाइल चार्ज हो रहा है, यहाँ पर मेरा एक और GoPro चार्ज हो रहा है देख सकते हो। तो चलो जल्दी 10 बज गए हैं, अब चलते हैं बाइक पे और आगे की बात बाइक पे करते हैं। बोल रहे हैं हम लोग ओम शिव गणेशाय नमः। चलो आ रहे हैं ठीक है ना, पथ पे जैसा कि आप देख रहे हो। और अभी आगे मरीन ड्राइव से मैं क्या करूँगा कि वहीं मरीन ड्राइव से ऊपर से जेपी सेतु होकर गुजरता है, तो जेपी सेतु पकड़ लूँगा। उसके बाद चलेंगे हम लोग मुजफ्फरपुर वाले रूट से, मुजफ्फरपुर 76 किलोमीटर। और अभी मैंने कुछ पहना नहीं है, अभी घर पूरी धूप है, खिली खिली अभी बज रहा है, 11 हो रहा है, मेरे रूट को निकलने में काफ़ी लेट हो गया। और ये देखो ये चढ़ गया, ये मरीन ड्राइव की ओर जाने वाला रास्ता। यहाँ पर खड़ा क्यों, मेरे GoPro का फिर से हैंग कर गया था। ये साला GoPro का अलग बीमारी है, ये मरीन ड्राइव के पास मेरा GoPro हैंग कर गया। अभी 2 बार ही तो बस रिकॉर्डिंग ही है, उसके बाद सीधे हैंग तीसरी बार में। तो फिर मैं चलता हूँ, देखो ये आगे मरीन ड्राइव से यहाँ से लेफ्ट ले रहे हैं, वो जो ऊपर देख रहे हो ये जा रहा है ब्रिज जेपी सेतु के लिए। तो यहाँ से फिर राइट लेंगे, अभी 5 मिनट पहले मैं वो दीघा ब्रिज से उतर गया। और ये बढ़ेंगे हम लोग हाजीपुर की ओर, ये रास्ता जाता है। पहले यहाँ कुछ नहीं था देख सकते हो, अब यहाँ कितना सारा दुकान वगैरह भी बन गया है, ये पूरा खेत था पहले। दोस्तों मैं आ गया यहाँ पर हाजीपुर का, ये जो गोलंबर है ये सामने से आता है आपको गांधी सेतु, और पीछे से मैं आ रहा हूँ अभी जेपी सेतु साइड से। अब हम लोग ये नीचे पुल के नीचे से चलेंगे और आगे से फिर राइट मुजफ्फरपुर कटने का रास्ता है। तो फिर सिटी क्रॉस करके और ये जो पुल चढ़ेंगे अब ये सीधे 4 लेन हम लोग को मिल गया, और इसी 4 लेन से अब हम लोग चलेंगे मुजफ्फरपुर 55। तो दोस्तों अभी मैं हूँ मुजफ्फरपुर से थोड़ा सा पहले, और यहाँ पर हल्के होने के लिए रुक गया था। और ये बाइक है और ये जा रहा है मुजफ्फरपुर, काफ़ी धूप खिली हुई है और टाइम हो रहा है अभी 11:45। तो मोटा मोटी मान के चलो 1 घंटे में मैं पटना से यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। मुजफ्फरपुर अभी 40 किलोमीटर यहाँ से है, तो चलो चलते हैं आगे राइड को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों 540 रुपये का यहाँ तेल ले लिए, कार्ड से पेमेंट कर दिए, चलो चलते हैं आगे। क्योंकि जैसा कि देख सकते हैं मुजफ्फरपुर आ गए हैं और टाइम हो रहा होगा अभी 12:10 के आसपास। तो ये हम लोगों को 1 घंटा लगा मुजफ्फरपुर आने में, 1 से 1.25 घंटे मतलब पटना से चले हुए। सब सही जा रहा है, अगर इसी तरह से चलेंगे तो दरभंगा भी जल्दी पहुँच जाएंगे। दोस्तों आ गए हैं हम लोग न्यू बिहार होटल, यहाँ का समोसा काफ़ी फेमस है, क्यों ना समोसा यहाँ पर खा लिया जाए थोड़ा सा। तो यहाँ गाड़ी लगाते हैं और यहाँ खाते हैं समोसा। तो दोस्तों अभी हूँ मैं पीछे देख सकते हो बिहार होटल के पास, यहाँ का समोसा काफ़ी फेमस है तो वही खाने के लिए मैं रुका हूँ। तो यहाँ समोसा लेते हैं और अभी बज रहे हैं लगभग 12:30। 1.25 घंटे में मैं पटना से पहुँच गया था मुजफ्फरपुर, जो कि मेरे घर से लगभग 85 किलोमीटर दिखा रहा था मेरा स्पीडोमीटर। चलो अब इससे समोसा खा लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। समोसा बनने में टाइम लग रहा था, तो आधा घंटा यहाँ वेस्ट हो गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू। जय श्री गणेश। मुजफ्फरपुर टू दरभंगा हाईवे पे मैंने अभी जस्ट 4 लेन को पकड़ा है, ये देखो, और अब चले जा रहे हैं। यहाँ से दरभंगा है करीबन 60 किलोमीटर से भी कम है, 55 किलोमीटर के आसपास होगा। अभी मैं दरभंगा पहुंच गया हूं और टाइम हो रहा है 2:06। सब सही चल रहा है, मैंने एक गलत रूट ले लिया था, मैं मुजफ्फरपुर से लेफ्ट वाला पुल के नीचे से उतरना था तो मैं सीधे दरभंगा पकड़ लिया, जिसके कारण मुझे भीड़ मिल गई काफ़ी ज़्यादा, तो भीड़ के कारण दिक्कत हो गया। और गाड़ी को थोड़ा रेस्ट देते हैं, ये देखो कुछ ऐसी लग रही है अपनी गाड़ी। और थोड़ा थोड़ा अब 2 बजे के बाद मुझे ठंड लग रही है तो अब मैं निकलता हूँ। काम करते हैं, पहले तो समोसा जो है ये समोसा खा लेते हैं, समोसा जो मैंने लिया था, और ये जैकेट जो है ये पहन लूँगा मैं अभी। सो भाई बिहार होटल का समोसा तो काफ़ी टेस्टी है, काफ़ी ठंड है, जैकेट निकाल के भी पहनते हैं। देखो दोस्तों ये कौवा वेट कर रहा है मैं इसे कुछ खाने को दूँ।
चेन से फेंकता हूँ, ये देखो। अरे बाकी तो सारे कौवे आ गए, अरे लोग तो लाइन लगा दिया यार खाने के लिए। और देते हैं, अरे बाप, ये देखो कितना फास्ट निकला ये। चलो चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं हम प्यारी को। खाना खिलाकर और खुद भी समोसा खाकर मैं निकल गया। अब आगे 1200 ज़्यादा ही हो रहे होंगे और सहरसा यहाँ से 100 किलोमीटर के आसपास है, तो मैं गाड़ी को थोड़ा सा तेज चला रहा हूँ क्योंकि अगर रात हो गई, ठंड का समय है, तो फिर दिक्कत होगा। एक आदमी से उसने बताया 1500 किलोमीटर आगे जाके सकरी नाम का एक जगह आएगा, वहाँ थाना के सामने से राइट हो जाना है, फिर सीधे टू लेन है, लेकिन टू लेन भी है, फोर लेन भी है। अब देखो आगे चलते हैं, पता करते हैं कि यहीं से कहीं राइट कटता है सहरसा के लिए। यहाँ से एक आदमी से पूछा तो उसने बोला कि आशापुर जाने के लिए, अभी हम लोग धरौड़ा में हैं और यहाँ से हम लोग को जाना है आशापुर। आशापुर से फिर आगे सीधे, और सकरी से हम लोग घूमे थे, सकरी छोड़े हुए 5-6 किलोमीटर हो गया। शाम हो रही है, मेरे ख्याल से 3:15 हो रहे होंगे। इसी तरह मुझे 1 घंटे में सहरसा पहुंच जाना है, क्योंकि वहां जाके भी थोड़ा फ्रेश होंगे यार, कितना थक गए, सीधे शादी का से अटेंड करेंगे। फिर शाम का बज रहा है 4 और देख सकते हो कि ये बरौल नाम का आगे एक जगह आएगा 30-35 किलोमीटर में, वहां से 4 लेन शायद मिलेगा और उसका सीधे सहरसा आ जाएगा। और देख सकते हो रोड किस टाइप का, एकदम नैरो सा रोड है, तो यही रोड की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और बीच बीच में भीड़ भाड़ काफ़ी मिल जा रहा है क्योंकि शाम का समय है, लोग खरीदारी वगैरह कर रहे हैं, निकले हैं। अगर सब कुछ भगवान ने भला रखा महादेव ने, तो टाइम पर पहुंच जाऊंगा। अभी 10 किलोमीटर और है बरौल आने में। ठंड काफ़ी बढ़ गई है, अब देखते हैं कि कहाँ रुकते हैं, क्योंकि रुकना ज़रूरी है। मैंने पानी भी अभी तक नहीं पिया है और चाय पीना बहुत ज़रूरी है यार, चाय ज़रूरी है थकान मिटाने के लिए। मुझे याद है मैं करीबन 150 किलोमीटर से कंटिन्यू बाइक पे बैठा हुआ हूँ, 150 किलोमीटर से, कितने सारे जगह है जाम वगैरह वाले, फिर खाली जगह भी है, लेकिन मैं गाड़ी ही चला रहा हूँ, 150 किलोमीटर से मैं हिला नहीं हूँ। तो बहुत ज़रूरी हो गया कि एक जगह उतर के थोड़ा सा कमर वगैरह को सीधा कर लेना। आ गए हम फिर से 4 लेन पर, लेकिन यहाँ पर अभी भी सहरसा 40 दिखा रहा है, पता नहीं कितना दूर है यार। मेरे को तो लगता है कि अभी 216 किलोमीटर चल चुका हूँ 40, और 256 किलोमीटर पटना से सहरसा, जबकि गूगल पे मैंने देखा था तो 180-185 किलोमीटर का भी एक रोड था, लेकिन लोगों ने पूछने में किसी कोई भी उस रोड से नहीं जाता था, सब लोग यही रोड से जाते थे, तो मैं भी आ गया। हो सकता है 180 किलोमीटर वाला रोड काफ़ी घुमावदार या छोटा वाला हाईवे हो। तो कोसी ब्रिज यहाँ से दिख रहा है, ये कोसी रिवर है जिसमें हर साल बाढ़ आ जाता है, जो एक तबाही का रिवर है। नेपाल से जब लोग नेपाल पानी छोड़ता है तो पूरा एरिया डूब जाता है, कोसी क्षेत्र कहलाता है, वही कोसी ब्रिज है ये दोस्तों। कोसी ब्रिज, कोसी नदी है यही, प्रलयंकारी नदी, काफ़ी लंबा ब्रिज दिख रहा है ये, लगभग हमको लगता है 3-4 किलोमीटर का होगा, 2 किलोमीटर तो आराम से होगा। 1 eternity later। तो दोस्तों अभी हूँ मैं सहरसा से 10-12 किलोमीटर पहले, लगभग 1.5-2 घंटे से मैं कंटिन्यू बाइक चला रहा हूँ, और ये सोचो बाइक मेरी लगी हुई है, और यहाँ मैं चाय पीने के लिए रुका हूँ, चाय पियेंगे और बस यहाँ से निकलते हैं। तो देख सकते हो कितने कीड़ा टकरा कैसे हो गया। तो चलो दोस्तों अब चलते हैं इसके आगे, यहाँ से चाय पी लिए, थोड़ा राहत मिल गया। तो अभी आ गया हूँ मैं होटल में, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी आकर मैंने अपना सब सामान वगैरह रख दिया है,
और होटल का मैं आपको एक बार रूम दिखा देता हूँ। ये देखो यही रूम है, हेलमेट रखा है, ये मेरा सामान रखा है, तो पानी की बोतल है, ये कुछ सेविंग किट वगैरह दिया है, टॉवल है, टीवी है, और ये मेरा बैग में लेते आया हूँ। मेरे ऊपर एसी भी है, लेकिन अभी ठंड का मौसम है तो कोई एसी की जरूरत नहीं है। और बाथरूम है, अभी जल्दी से मैं तैयार हो जाता हूँ, तैयार होकर जाते हैं शादी में, फिर वहां पर मैं आपको दिखाता हूँ।